और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोल आर्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम कुछ इस तरह का एक छोटा सा फैंसी पर्स तैयार करेंगे। इसे मैंने सामने की ओर से एक प्यारा सा लेस लगाया है, इसकी वजह से आप इसे फंक्शन में भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने उसे एक जिप यहाँ पे सामने की तरफ लगाई है और यहाँ पे अंदर की तरफ हमने उसे दो जिप लगाया है। तो टोटल ये 3 पॉकेट का हमारा छोटा सा बैग बनके तैयार है। और ये मैंने सिंपल कॉटन प्रिंटेड कपड़ा यूज किया है और आधे मीटर से भी कम मीटर में मेरा ये बैग बनके अब तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। आज का बैग बनाने के लिए आपको चाहिए 8 इंचेस बाय 16 इंचेस का एक फैब्रिक का पीस, जिसे मैंने अंदर से रबर शीट जोड़ा है। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फोम लगा के इसे क्विल्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ हमें चाहिए 8 इंचेस बाय 6 इंचेस का क्विल्टेड पीस, 4 इंचेस बाय 5 इंचेस के 2 क्विल्टेड पीस, 8 इंचेस बाय 6 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस और 8 इंचेस बाय 4 इंचेस का एक लाइनिंग का पीस, 8 इंचेस बाय 16 इंचेस के 2 लाइनिंग के पीस, 8 इंचेस की 3 जिप चाहिए हमें, इस तरह से कोई भी एक लेस का टुकड़ा और 16 इंचेस के बेल्ट। सबसे पहले 8 इंचेस बाय 16 इंचेस का जो हमने पीस लिया है, जिसे आप क्विल्ट भी कर सकते हैं, इस पीस को ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करना है। यहां से 2 इंच मार्किंग करके हमें उसे काट के वहां पे हमें उसे जिप जोड़नी है। ये जो हमने 8 इंचेस बाय 4 इंचेस का लाइनिंग का पीस लिया है, उसे हम लेंगे और ये जिप यहाँ पे उल्टी रखनी है और 8 इंचेस बाय 4 इंचेस का जो लाइनिंग का पीस है ये उसके ऊपर सीधी तरफ से रखना है और स्टिच करनी है। ये इस तरह से हमारा लाइनिंग का पीस यहाँ पे आ जाएगा और ये जिप लगाने के बाद ये जो हमने लेस का टुकड़ा लिया है वो इसके बराबर से हमें लगाना है। ये लेस लगाने के बाद ये जो दूसरा हिस्सा है उसे अब हमें लगा देना है उसी तरह से। तो यहाँ पे हम पहले लाइनिंग का पीस नहीं रखेंगे, सिर्फ ये जो हमारा ऊपर का 2 इंच का टुकड़ा है उसे जिप जोड़ देंगे। और अब ये जो सिलाई है वो इसी ओर रहेगी और सिर्फ ऊपर का हिस्सा हमें फोल्ड करना है और ये जो सिलाई है वो ऊपर की तरफ ही रहेगी और ये जो 6 इंचेस बाय 8 इंचेस का हमारा हिस्सा है वो उसके नीचे सिर्फ हमें सिल देना है यहाँ पे रख के। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पॉकेट भी यहाँ पे बंद हो जाएगा और ये हमारी दाब सिलाई भी यहाँ पे आ जाएगी। और अब हमें यहाँ पे रनर डालना है और रनर डालने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करके ये जो अंदर के हमारे लाइनिंग के पीस है उसे जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा बैग का फ्रंट हिस्सा बनके तैयार है। और अब हम यहाँ पे उसे बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए 8 इंच की तरफ से हम उसका मिडिल मार्क करेंगे और मिडिल से 1.5 इंच पे हमें मार्क करना है। और ये जो हमने 16 इंचेस के दो बेल्ट तैयार किए हैं वो यहाँ पे हमें उसे जोड़ देने हैं। दोनों ओर बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे हम मिडिल का मार्क करेंगे और ये जो हमने 4 इंचेस बाय 5 इंचेस के साइड पीस लिए हैं उसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और 4 इंच की तरफ से इसका भी हम मार्किंग सेंटर पे करेंगे। और सेंटर पे मार्क करके यहाँ पे हमें मैच करके उसे यहाँ पे जोड़ देना है। यहां से दोनों ओर से थोड़ा गैप छोड़ना है 1.25 इंच का और यहाँ पे सिलाई करनी है पहले। फिर इसे इस तरह से हमें लेके यहाँ पे सीधी सिलाई करनी है। और फिर ये हिस्सा भी इसी तरह से इस ओर हमारा जुड़ेगा। एक और जोड़ने के बाद इसी तरह से इस ओर भी हमें दूसरा साइड का पीस जोड़ना है। तो इस तरह से बैक का हमारा बाहर का हिस्सा बनके तैयार है। और अब ये जो हमारा 8 इंचेस बाय 6 इंचेस का जो क्विल्टेड पीस है ये हमारा इसके ऊपर इस तरह से लगेगा। तो अब हम इसे 2 पॉकेट्स तैयार करेंगे अंदर की तरफ से। ये हमारा ड्यूअल पॉकेट का स्मॉल फैंसी पर्स है तो यहाँ पे मैं 2 पॉकेट्स उसे तैयार करूंगी। उसके लिए ये हमारा टोटल 6 इंच का पीस है तो मिडिल पे पहले मैं मार्क कर देती हूं और मिडिल से 3/4 इंच इस ओर और 3/4 इंच इस ओर, तो ये दोनों मार्किंग है, इसमें 1.5 इंच का हमारा गैप होना चाहिए। और इस ओर भी उसी तरह से हम मार्किंग करेंगे, मिडिल से 3/4 इंच इस ओर और 3/4 इंच इस ओर, तो ये दो मार्किंग में हमारा 1.5 इंच का गैप आएगा। और यहां पे मैं उसे जॉइन कर देती हूं। तो ये हमारा 1.5 इंच का गैप लेके हमने यहां पे 2 मार्किंग्स कर दी है। अब यहाँ पे हम काट के उसे हम जिप जोड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे उसे काट लेती हूँ।
ऊपर के क्विल्टेड पीस को अलग करने के बाद ये हमारा पहला पीस है, ये मिडिल का और ये दूसरे साइड का। अब यहाँ पे हम पहले एक जिप जोड़ेंगे, तो ये दो हिस्से मैं फिलहाल साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं जिप जोड़ूंगी और ये जो हमने 8 इंचेस बाय 16 इंचेस के लाइनिंग के पीस लिए हैं, उसमें से एक पीस में इसके ऊपर रख के उसके साथ में इसे जोड़ दूंगी। इस तरह से जिप जोड़ने के बाद अब ये लाइनिंग का पीस हमारा उसके नीचे आके हम हमेशा की तरह यहाँ पे दाब सिलाई करेंगे। तो इस तरह से दाब सिलाई करके ये हमारा एक लाइनिंग का पीस इसे जुड़ गया। अब ये जो मिडिल का पीस है हमारा, उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे इसके नीचे रख के हमें उस पे सिलाई करनी है। और सिर्फ ये जो हिस्सा है वो इस ओर फोल्ड होगा और ये हिस्सा इस ओर ही रहेगा, और इस तरह से हमें उस पे दाब सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो सिलाई का हिस्सा है वो इस ओर ही रहेगा और लाइनिंग का पीस भी इस ओर रहेगा अपोजिट साइड में। और अब ये जो दूसरा हिस्सा है वहां पे हमारी दूसरी जिप लगेगी। ये जिप लगाते वक्त ही हमने एक और जो लाइनिंग का पीस लिया है उसे हमें यहाँ पे उसे लगा देना है। और इस तरह से फिर दाब सिलाई होगी। और अब ये जो हमारा तीसरा हिस्सा कटा हुआ था वो यहाँ पे जोड़ना है इस तरह से, और उसके नीचे ये लाइनिंग के पीस का दूसरा हिस्सा लेके हमें उस पे जोड़ देना है। और फिर ये हिस्सा इसी तरह सीधा करना है और ये हिस्सा इस ओर ही रहेगा और दाब सिलाई। तो इस तरह से ये हमारे दोनों लाइनिंग के पीस इसके नीचे लग गए और ये हमारा जिप का ऊपर का हिस्सा बनके तैयार है। ये जो हमारे लाइनिंग के पीस है उसे हम बंद करेंगे और यहाँ से आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करनी है। एक पीस हमने इस तरह से जोड़ दिया, अब दूसरा हिस्सा जोड़ते वक्त एक और हमें थोड़ा सा गैप रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ यहाँ तक ही 1.5 इंच तक ही हम सिलाई करेंगे और इतना हिस्सा हम छोड़ देंगे। इस तरह से। और अब ये जो हमारा हिस्सा है वो हमारे इस पीस को जुड़ेगा, तो इसे हम इस तरह ऊपर से रखेंगे और ये जो हमारे दो पीस है उसका मिडिल मार्किंग हम कर लेंगे।
अब पहले हम इसका जो मिडिल है वहां पे, ये जो हमारा 4 इंचेस का पीस है उसका मिडिल पहले इस मिडिल से मार्क करेंगे। तो देखिए ये जो मिडिल का दोनों मिडिल है वो हम पहले इस दोनों मिडिल से मार्क मैच करेंगे। तो ये जो जिप है हमारी इस ओर बंद हो रही है, तो ये रनर भी हमारे इस ओर बंद होने चाहिए इस तरह से। और ये जो हमारा मिडिल का हिस्सा है वो हम यहाँ पे मैच करेंगे और उसी तरह से ये हिस्सा जो है मिडिल का वो हम यहाँ पे मैच करेंगे इस तरह से। और ये हमारी पूरी इस तरह से सिलाई होगी और ये मिडिल का हिस्सा यहाँ पे मैच होगा और उसी तरह से ये और ये हिस्सा यहाँ पे मैच होगा। इस तरह से तो पहले हमें साइड से यहाँ पे जोड़ना है और उसके बाद हम यहाँ का जोड़ेंगे। तो पहले हम साइड से दोनों हिस्से जोड़ लेंगे। और ये जो हमने आधे इंच का गैप छोड़ा है वहां से हम इस पीस को इस तरह फैला देंगे और यहां से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे एक ओर से जोड़ दिया है और अब इस ओर भी उसी तरह से हम जोड़ देंगे सीधा। यहाँ पे साइड से जोड़ने के बाद इस ओर भी हम उसे सिलाई करके जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये चारों ओर से सिल के हो गया है। अब यहाँ पे हमने जो गैप छोड़ा है वहां से हम जिप ओपन करके उसे सीधा करेंगे। तो ये गैप जो हमने छोड़ा है वहां से हम अच्छे से उसे सीधा करेंगे। और उसे सेट करने के बाद ये जो हमने ओपनिंग छोड़ा है उसे भी हम एक ओर से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अंदर सीधा अंदर फोल्ड करके हमें पूरी सिलाई उसे पूरी कर देनी है। और बंद करने के बाद ये हमारा पर्स कुछ इस तरह से तैयार है। तो ये हमारी छोटी फैंसी पर्स डबल पॉकेट के साथ बनके तैयार है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।